आदमी के मन में ये प्रश्न आता है बारंबार, मुझे भी बहुत सारे मित्र पूछते हैं, ये जो गलत आदत होते हैं इनसे कैसे बाहर आए। जैसे वो बताएंगे गलत आदत माने, जैसे कि वो हस्तमैथुन करते हैं, किसी से प्यार करते हैं या किसी से सेक्स करते हैं, या शराब पीते हैं या सिगरेट पीते हैं या तंबाकू चपा लेते हैं। अब इन आदतों को वो कहते हैं, सभी लोग कहते हैं ये बुरी आदत है, गंदी आदत है, तो इससे बाहर आना है। कैसे बाहर आए? इससे बाहर आना आप चाहते हो तो आपको बातों को ठीक ठीक समझना होगा, जीवन को समझना होगा, प्रकृति को समझना होगा, प्रकृति का जो साइंस है उसको अच्छी तरह से समझना होगा। असल में बात यह है कि हम गंदी आदत से बाहर इसलिए नहीं आ पाते हैं कि हम उसको गंदी आदत कहते हैं, है ना? ये जो हमने टैग लगा दिया ना, ये गंदी आदत है, बुरी आदत है, ये हमको कैसे पता कि ये बुरी आदत है? कोई भी बात को आप ले लो, जैसे आप हस्तमैथुन करते हो, और बहुत सारे लोग ये करेंगे, और जिनकी शादी नहीं हुई वो तो करेंगे ही, क्योंकि कैसे बैठेंगे, शरीर से तो वो हार्मोन्स बाहर निकलना चाहेगा। मगर समाज ने ये टैग लगा दिया, ये हस्तमैथुन करना ये बुरी बात है, ये समाज का आप पर शासन करने का एक व्यवस्था है, आपको किसी तरह गलत साबित कर दें तो ही आप समाज के अंडर में आ सकते हो, नहीं तो आप समाज के विरुद्ध जाओगे, है ना? जैसे किसी व्यक्ति को भी गुलाम बनाना हो तो उसको किसी न किसी बात पर नियंत्रण करना होगा, तो समाज ने ऐसे बहुत सारे नियम बना के रखे ताकि हर एक आदमी को हम गुलाम बनाए रखें। तो हस्तमैथुन को, सेक्स करने को ये लोग कहेंगे ये पाप है, ये गलत है, और इन चीज़ों से कोई भी लोग बच नहीं सकता, वो तो करेगा ही, नहीं करेगा तो क्या करेगा, जब दमित प्रवृत्ति ऊपर आएगी तो करना ही पड़ेगा। फिर बात ये हो जाएगी, एक तरफ से वो बाध्यता के रूप में करेगा, दूसरी तरफ फिर हीन भाव से भरेगा, क्योंकि बताया गया कि ये गलत बात है, ये बुरी चीज़ है, गंदी आदत है, फिर उसका मन अब एक हीनता बोध से भर जाएगा, वो ये कहने लगेगा अपने को कि मैं भी कितना कमज़ोर आदमी हूँ, कितना गलत आदमी हूँ, इन गंदी आदतों को मैं करता रहता और मुझसे छूटती नहीं, मैं इनको छोड़ भी नहीं सकता, तो मैं बहुत कमज़ोर आदमी। तो ये बात लोगों को रुग्ण कर देती है और इसी बात से लोग कमज़ोर हो जाते हैं, फिर वो समाज का गुलाम हो जाते हैं। मगर हस्तमैथुन करना या सेक्स करना ये एक नॉर्मल सी बात है, इसको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, हमारे पूर्व में ही लोग इसके बारे में ज़्यादा सोच, ये ऐसे ही नॉर्मल प्रोसेस है, जैसे हम खाना खाते हैं तो टॉयलेट जाते हैं तो वहाँ से निकाल देते हैं, ज़्यादा हो गया भीतर तो बाहर निकलेगा, ऐसे ही हमारे भीतर जो सेक्स के हार्मोन्स है वो भी भीतर ज़्यादा हो जाएगा तो किसी न किसी रूप से बाहर निकलेगा। और इसमें क्या गलती हो गई, ये तो एक प्राकृतिक नियम है ना। और पहले के लोग ऐसे भोजन नहीं लेते थे, ज़्यादा श्रम करते थे, इसलिए उनके भीतर वीर्य कम बनता था, मगर अभी के जो लोग हैं वो कम काम करते हैं और ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, तो इसके कारण उसके शरीर में ज़्यादा हार्मोन्स विकसित हो जाते हैं, तो इसीलिए सेक्स में उतरना और हस्तमैथुन में उतरना ज़्यादा हो जाता है। मगर इसको हम कहेंगे गलत है, जब हम इसको गलत कहेंगे फिर हम इससे कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जिस चीज़ को हम रेसिस्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, उसे हम कभी भी विजय नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे जिस आदमी को आप चाहते हो कि आपके मन में वो ना आए, वो आदमी ज़्यादा आएगा, क्योंकि जब भी उसका विचार आपके मन में आएगा तो आप रेसिस्ट करोगे उस विचार को, कहोगे कि ये क्यों आया, नहीं आना चाहिए था, और फिर ज़्यादा आने लगेगा। ऐसे ही सेक्स की भावना आ गई, आप रेसिस्ट करोगे क्यों आया, तो फिर ज़्यादा आने लगेगा। तो समाज में जितने भी लोग रुग्ण हैं, जो भी लोग दमित है ना, दबा हुआ है एकदम, वो सब लोग सेक्स का दमन करने वाले लोग ही है।
इस मामले में हमारे पूरब से पश्चिम के लोग ज़्यादा क्लियर है, इसलिए पश्चिम के लोगों ने ज़्यादा आविष्कार किया, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई किया, उनका जो बुद्धि का विकास है वो ज़्यादा हुआ। पूरब के लोगों में बुद्धि का विकास ना के बराबर हुआ। इसका कारण यही है कि पूरब में सेक्स का दमन ज़्यादा है, हम सेक्स के सेंटर में ज़्यादा जीते हैं ना, क्योंकि हम सेक्स को ज़्यादा इग्नोर करते हैं, तो जिस चीज़ को हम इग्नोर करेंगे वो प्रभावी हो जाएगा हम पर। इसलिए पूरब के लोग दिन भर सेक्स के बारे में सोचेंगे, पश्चिम के लोग सेक्स के बारे में उतना नहीं सोचेंगे, उसको नॉर्मल तरीका से लेंगे और जब भी आवश्यक हो, प्राप्त हो, तो वो उसका उपयोग कर लेंगे और उसको भूल जाएंगे और अपना काम करने लगेंगे। इसलिए उन्होंने बहुत सारा आविष्कार कर लिया, विज्ञान का जो इतना बड़ा विकास है, भौतिक विज्ञान का जो विकास है, सभी कुछ पश्चिम ने किया, पूर्व ने तो कुछ भी नहीं किया इस मामले पर। तो इसका कारण यही है कि हमारे सोसाइटी में लोगों को बहुत दमित बना दिया, भावनाओं से हीन बना दिया, हीन ग्रंथि का ज़्यादा विकास हो गया। पश्चिम के लोगों के पास हीन ग्रंथि इतनी नहीं है, हाँ उनके जीवन में और बहुत सारे तनाव है, बहुत सारे चिंता है, कन्फ्लिक्ट है, मगर हमारे से वो हीनता ग्रंथि कम है उनके पास। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि आपको सेक्स करना चाहिए, आपको हस्तमैथुन करना चाहिए, आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करना चाहिए, और ये भी नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए। मैं जज बनने वाला नहीं हूँ, तुम भी जज मत बनो, अपना जीवन का जज नहीं बनना है। जीवन में जो भी नियम है उस नियम से जीवन चलेगा, आप जज बनोगे तो अनाहक परेशानी होगी आपको, जीवन का तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। आप सेक्स का दमन करोगे तो जीवन भर सेक्स का दमन करते रहोगे और जीवन में तो सेक्स होता रहेगा, तो इस उलझन में आप पीड़ित हो जाएंगे। जज बनना नहीं है, करना ये भी नहीं है, नहीं करना ये भी नहीं है, सहज रूप से हो जाए जो उसको स्वीकार कर लेना, वो जीवन का हिस्सा है। आपको किसी से प्यार हो गया तो नहीं होना चाहिए था, ये नहीं कहना है, और नहीं हुआ तो होना चाहिए था ये भी नहीं कहना है। तो कुछ भी आदत आ गई तो उसको आने दो और उसको जाने दो, उसको गलत मत बोलो, नहीं होना था ऐसा मत बोलो। और ऐसे ही बहुत सारे आदत हैं, जैसे कोई कहेगा कि उसकी गुटखा चपाने की आदत है या सिगरेट पीने की आदत है, और इसको वो कहेंगे बहुत बुरी आदत है, ये बात ही इतनी छोटी है, ये बुरी आदत हो ही नहीं सकती। बुरा होने के लिए भी बड़ा होना चाहिए ना। आप सिगरेट पीते हो, गुटखा आप चपा लेते, तो ये कोई बात बड़ी हुई ही नहीं, तो कैसे ये बुरी होगी। आप बहुत सारी चीज़ अपने मुंह के अंदर डालते हो और ऐसे आपने डाल दिया धुआं, डाल दिया गुटखा, तो क्या हो गया भाई, इससे क्या परेशानी की बात क्या हो गई। और समाज में कितने लोग होते हैं, सबके सोसाइटी में अपने अपने तरह की खान पीने की व्यवस्था होती है, कहीं के लोग कुछ खाते हैं, कहीं के लोग कुछ खाते मुंह के अंदर से क्या क्या डालते हैं लोग, आप अचंभित हो जाएंगे। कहीं के लोग सांप भी खा लेते हैं, क्या क्या नहीं खाते हैं। तो खाना एक आदत है, वो सिगरेट ही एक आदत नहीं है, गुटखा ही एक आदत नहीं है, भोजन करना वो सब आदत में आ जाता है। कोई मांस खाएगा, जब भी मांस देखेगा कहीं पर तो एकदम से वो लालायित हो जाएगा, तो वो क्या है, वो भी एक आदत है, मगर उसको हम गंदी आदत नहीं कहेंगे। मगर सिगरेट खाना देखा किसी को और उसको भी, उसके मन में भी आ गया सिगरेट खाने, हम इसको गंदी आदत कहेंगे, और हम इसको छोड़ नहीं सकते इसीलिए कि हम इसको गंदी आदत कहते हैं, इसको हम छोड़ना चाहते हैं ना ज़बरदस्ती से, तो ये छूटेगा नहीं। मैंने कहा ये मन का नियम है, जिस चीज़ को आप रेसिस्ट करोगे वो ज़्यादा बलवान हो जाएगी। तो सिगरेट को आप छोड़ना चाहोगे तो आप उसको छोड़ नहीं पाओगे, ज़बरदस्ती से आप छोड़ भी दोगे तो भी आपको उतना लाभ नहीं होगा, आप सिगरेट नहीं पियोगे और मन मन में उसी के बारे में चिंतन करेंगे, है ना। तो
ये इतनी बड़ी बात ही नहीं जिसके लिए आपको चिंता करना चाहिए, है ना। इसको अच्छे से समझ लो ना, ये क्या बड़ी बात हो गई। आप सिगरेट पीते हो, आप शराब पीते हो, हाँ इस तरह आप शराब पीते हो, सिगरेट पीते हो कि आपकी फैमिली में बहुत बड़ा असर पहुंच रहा है, आपके हेल्थ में बड़ा असर पहुंच रहा है, आपके आर्थिक अवस्था में बहुत बड़ा असर पहुंच रहा है, तो आप उसको रोक दो। वो सिगरेट पीने से नहीं कि वो आपके हेल्थ और आर्थिक और सामाजिक कारणों से उसको छोड़ना है। आप उसको धीरे धीरे करो, कम करो, एक ही बार में छोड़ नहीं सकते हैं तो धीरे धीरे करके छोड़ो, मगर पहले समझो छोड़ने से। उसको गलत आदत मत कहो तो वो छूट जाएगी, मगर लोग छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं और वो कहते हैं वो परमात्मा को पाना चाहते हैं। जो छोटी छोटी बातों में उलझेगा उसको बड़ी बड़ी बात कैसे प्राप्त हो सकती है। और परमात्मा जानने की पाने की जो बात है उससे तो इनका कोई लेना देना ही नहीं है। ये सब शारीरिक आवश्यकता है, आदत भी ये शारीरिक है और परमात्मा शारीरिक नहीं है। तो आप सिगरेट पीते हो, नहीं पीते हो, गुटखा खाते हो, नहीं खाते हो, हस्तमैथुन करते हो, नहीं करते हो, इससे अध्यात्म को अध्यात्म कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आप हस्तमैथुन करते हो तो आपको अध्यात्म का ज्ञान नहीं मिलेगा, आप सिगरेट पीते हो तो आपको अध्यात्म ज्ञान नहीं मिलेगा। इतना छोटा अध्यात्म होगा क्या कि आपकी क्षुद्र चीज़ों से वो घबराएगा और आने से डर जाएगा। तो साथी संगति में आपने बहुत बार ले लिया इन चीज़ों को तो आपके शरीर में आदत पड़ गई, अब ये शरीर इसका माफ करेगी, तो आप इनको छोड़ने के लिए परेशान हो जाओगे। आप इनको गंदी आदत बोलोगे तो आप इसी से उलझ जाओगे, क्षुद्र चीज़ों से आप उलझ जाओगे और बड़ी बड़ी चीज़ जो प्राप्त करनी है वो आपसे छूटती चले जाएगी। इसलिए इन बातों में आना नहीं है, क्षुद्र चीज़ें। तो आपने चुरोट सिगरेट ले लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप सिगरेट लेते लेते भी परमात्मा को पा सकते हैं। इससे परमात्मा नहीं कहने वाला कि तू गंदी आदत कर रहा है, क्योंकि सिगरेट में तो न मांस है न शराब है, वो तो शुद्ध धुआं है ना। इसको आप गंदी आदत कह नहीं सकते, हाँ इससे आपके शरीर में प्रभाव पड़ेगा, तो शरीर में नुकसान होगा, मगर शरीर तो एक दिन मरने ही वाला है। और ऐसे भी लोग दिखाई देते हैं जो 90-100 साल के भी हो गए हैं और फिर भी वो लगातार सिगरेट पीते रहते हैं, गुटखा छपाते रहते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे, 100 साल के आदमी है और दिन में एक बार एक पैक लेना कभी छुटाया नहीं, 2-4 सिगरेट कभी छुटाया नहीं। तो जीने वाले जो लोग हैं वो ऐसे भी 100 साल तक जी लेते हैं, और जो नहीं जीने वाले हैं वो कुछ भी नहीं लेने वाले भी आप देखते हैं ना, कुछ भी नहीं लेता ऐसी गंदी आदतों को, फिर भी उसके शरीर में बीमार हो जाता है, कैंसर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है और अकाल मृत्यु हो जाती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिगरेट पीने से आपके शरीर में असर नहीं पड़ेगा, बात को समझना है। आपके भीतर जीने की प्यास है, आपके भीतर परमात्मा पाने की चाह है, कुछ आविष्कार करने की चाह है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें आपको अवरोध कर नहीं सकती। आपके भीतर जो शक्ति है वो आपको बचा के रखेगी। तो दिक्कत यही है कि हमको पता है क्या गलत है क्या सही है, हम खुद ही कहते हैं ये चीज़ गलत है और खुद ही कहते हैं ये चीज़ सही है। हमको पता नहीं सही क्या है गलत क्या है, हम जिस चीज़ को सही कहते हैं वो हमने अभी तक जाना ही नहीं। जैसे हम सभी लोग कहते हैं ना, साक्षी ध्यान निराकार परम ब्रह्म चैतन्य, ये अच्छी चीज़ है तो इसको पाना है तो हम कहते हैं, मगर हमने अभी तक इनको कभी जाना ही नहीं, तो ये अच्छी कैसे हो गई हमारे लिए, जो है ही नहीं वो अच्छी हो नहीं सकती। और जो हमारे पास है जिसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं गंदी आदत है। हम जो हमारे पास है उसको बोलते हैं गंदा, जो हम हमारे पास है ही नहीं उसको कहेंगे वो सुंदर।
ये सब व्याख्या की बात है। आप ठीक ठीक व्याख्या कर लो, जीवन को वैज्ञानिक दृष्टि से देखो, शरीर चलेगा प्रकृति के नियम के द्वारा, शरीर आदत से निर्माण होता है, ये सभी चीज़ आदत होती है। प्यास का लगना ये भी आदत है, भूख का लगना ये भी आदत होती है, मगर हम उन चीज़ों को ही गलत आदत कहेंगे। कोई ज़्यादा पैसा कमाता है तो वो भी एक आदत है, कोई बड़े पद पर पहुंचना चाहता है वो भी एक आदत है, सभी चीज़ें आदत है। मन से जो भी पैदा होती है, शरीर से जो भी पैदा होती है, वो सब आदत है। आदत के बिना ये शरीर चलेगा नहीं। भूख का आदत अगर आपके पास नहीं हो तो आप कभी भोजन ही नहीं करेंगे, भोजन ही नहीं करेंगे तो शरीर जिंदा ही नहीं रहेगा। इसलिए आदत शरीर के लिए आवश्यक है। आपको आदत को छोड़ना नहीं है, आपको आदत से ऊपर उठना है, कुछ और आविष्कार करना है जीवन में, और उसके लिए छोटी मोटी बातों को लेकर चिंतित होना नहीं। आज के लिए इतना ही। नए मित्र होंगे तो मैं उनको सूचना देना चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसे गाइडेड मेडिटेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे पास जो है उसको तो आप व्हाट्सएप पर चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।